हस्तकला आप लोग के शो जो आ रहा है जो करते हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है 22 तारीख से चालू होने वाला है? ऑफकोर्स बहुत एक्साइटेड है, और पहले तो जल्दी 8 को होने वाला था बट अब 22 को हो रहा है, सो वेट कर रहे कि कब ये शो स्टार्ट हो। और अभी जो सेकंड प्रोमो आया है वो तो और भी अच्छा है, जिस तरीके से सीन्स दिखा है लोग एंटरटेन होंगे फुल। रूल्स के बारे में जानना चाहोगे, किरदार के बारे में, आप लोगों का किरदार क्या है? ओके, सो आई विल स्टार्ट फर्स्ट। आई एम प्लेइंग रजू'स मॉम इन द शो एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्टोरी माय स्टोरी। सो मेरा किरदार ऐसा है, कितना रिवील करना भी आई डोंट नो, शी इज़ माय डॉटर और हम पहाड़ में रहते हैं। मैंने उसको छुपा के रखा है सबसे, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में थी और मेरे साथ कुछ ऐसा हादसा हो जाता है कि मैं उसको लेके पहाड़ चली जाती हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो खेले, किसी भी हालत में खेले। तो अगर वो छोटी सी भी दौड़ में पार्टिसिपेट करती है तो मैं उसको मारती हूँ लिटरली, बिकॉज शी इज़ नॉट अलाउड, क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि मैं नहीं चाहती कि वो खेल में वापस लौटे। बट कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि हम यहाँ लैंड करते हैं वहाँ एग्जैक्टली जहाँ हमें नहीं होना है। सो यस, इट्स अबाउट दैट। हमने देखा एक डायलॉग भी था, थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता। कितना रिलेटेबल कर पाते हो अपने अपने ये डायलॉग, कितना लाइक ये तो बहुत फेमस डायलॉग है। सी फॉर आई थिंक फॉर अ मदर एंड डॉटर दिस इज़ वेरी वेरी रिलेटेबल, बिकॉज एक माँ और बेटी का जो प्यार होता है, और वो भी सिंगल मदर, आई एम प्लेइंग सिंगल मदर इन द शो, सो डेफिनेटली आई लव हर, बट मैं जो चीज़ें ना हैं उसके लिए ना, आई एम वेरी स्ट्रिक्ट मॉम, सो यस पटाई होती बात। सो मेरा कैरेक्टर नेम है स्वरा, और घर में एक बहुत पॉजिटिव है जो अर्जुन है, अर्जुन के भाई की वाइफ हूँ मैं, और वेरी पॉजिटिव, घर का काम करना अच्छा लगता है, जो सिया है बच्ची उससे बहुत प्यार करती है। She looks positive. सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे लिए कि एक्चुअल में सूट करते हैं। रियल लाइफ से आपका कैरेक्टर कितना सिमिलर है? तो मेरा कैरेक्टर रियल लाइफ से इतना सिमिलर है कि व्हेन मुक्ता वाज टेलिंग मी स्टोरी, सो आई गॉट शॉक्ड कि एक्सक्यूज मी, मेरी लाइफ पे लिखा है क्या? सो इन शो आई एम फ्रॉम लखनऊ, विच इज़ रियल दैट आई एम फ्रॉम लखनऊ। I'm in Pahar, so I'm Pahari only. And in the show, I'm playing a sports person, which I actually was when I was in my school. And even in show, I had my daughter when I was very young. In real life, also, I had a daughter when I was very young. So only difference is that my hero is not villain. And here my hero is a villain. So think this all things are making your role very, 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 very strong, very, very, very strong. Very, very simple to play. Simple also, and very, very, means I believe in that thing, na, because that's what I am. I have a daughter like her. I am from Lucknow. I have been to, I'm a Pahari girl. So everything is like really, really connected. So I got my goosebumps when she was telling me story. Ki ye story hai and you are playing this. And I was like, oh my God, this is my story. So, yeah. हाफ है हाफ नहीं है, लाइक घर के काम करना बहुत अच्छा लगता है स्वरा को, मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है। बट हाँ, मैं पॉजिटिव रहती हूँ बहुत, बच्चों से प्यार करती हूँ मैं, मेरी भी नीस है, सो मैं उससे इतना प्यार करती हूँ तो मैं सिया से भी उतना ही कनेक्टेड हो पाती हूँ। शो शुरुआत होने से पहले एक संदेश दे चुका है शो ऑलरेडी कि सपनों के पीछे भागना चाहिए, सपने पूरे करना चाहिए। आने वाले समय में कितने सारे संदेश हमारे दर्शकों को आप दे रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ टू कैरेक्टर्स आर लाइक, मैं आई वॉज वेरी सक्सेसफुल इन स्पोर्ट्स बट बिकॉज ऑफ सर्कमस्टेंसेस मैं नहीं कर पाई, और रज्जो भी बहुत स्ट्रांग है करने में, मतलब शी इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, बट वो नहीं कर पा रही क्योंकि मैं करने नहीं दे रही हूँ उसको। सो ये आई थिंक दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू शो, कि अगर आप इन चीज़ों के पीछे ना पढ़ के अपने ड्रीम को पूरा करें, और जो चीज़ें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर आप उन्हें करें तो सक्सेस, मतलब आपको सक्सेस पाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। सो टेलीविजन सीरियल्स की बात की जाए तो टेलीविजन सीरियल्स में जो है अभी थोड़ा सा गिराव दिखाया जा रहा है, क्योंकि जब से ओटीटी आया है लोग जो है
ओटीटी पे वेब सीरीज देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ? देखिए, इंडिया की ज़्यादातर जनता जो है वो अभी भी सीरियल्स ही देखती है. देर आर मेट्रो सिटीज़ लाइक मुंबई, दिल्ली एंड ऑल, जहाँ पर अब देखने लगे हैं लोग वेब शोज़. बट अभी भी अगर हमारे घर, मतलब हम यहाँ पर हैं, बट अगर हमारे घर देखेंगे, इवन इन लखनऊ आई विल से पीपल आर वॉचिंग सीरियल ओनली. सो इंडिया में सीरियल्स का कम होना बिकॉज ऑफ ओटीटी, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल. आई वांट टू ऐड सम लाइंस. नाउ द सीरियल्स आर आल्सो बीइंग शोन इन ओटीटी लाइक हॉटस्टार इज द स्टार प्लस इज द. डू यू थिंक दिस इज गोइंग टू बी वेरी चेंज फॉर द पीपल? लाइक नाउडेज वेरेवर यू आर, यू कैन जस्ट क्लिक योर फोन एंड स्टार्ट सीइंग द शो. इससे शो के पीछे भी टीआरपी काफ़ी बढ़ रही है, उसके लिए क्या क्या सोचते हो आप? ऑफकोर्स, मैं कुछ सीरियल देखते देखते बड़ी हुई हूँ. बहुत सीरियल्स देखती थी मैं. अभी शूट की वजह से हम नहीं देख पाते, टीवी ऑन करके नहीं देख पाते. सो ये एक ईजी रहता है कि हम ऑनलाइन है, सो कभी भी आप ऑनलाइन सीरियल देख सकते हैं. सो ये बहुत अच्छा. जैसे पहले सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही इट वॉज पॉसिबल, बिकॉज वो उस टाइम पे घर पे होते हैं, आप 7 बजे से टीवी चला लेते हैं और 9:30 तक टीवी चलता रहता है. और बिकॉज ऑफ दैट जो भी वर्किंग लोग हैं वो नहीं देख पा रहे थे. बट ओटीटी से ये बेनिफिट है कि नाउ एवरीबडी कैन वॉच वट एवर यू वॉन्ट वॉच एंड एनी टाइम. सो येस, डेफिनेटली इट्स मेकिंग डिफरेंस. यू एस पी सारे कैरेक्टर्स हैं सर, क्योंकि सब लोग ही बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो में, सब लोग अपनी जान डाल रहे हैं. सो ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट फुल मिलेगा. और यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप ये शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. सो आई वुड लाइक टू से दैट दिस शो इज़ वेरी डिफरेंट. अगर अभी आप देखेंगे तो देर इज़ नो कॉन्सेप्ट लाइक दैट. अभी तक बहुत सारे शोज़ देखे हैं हमने, कभी ये कभी वो, बट इस शो में इट्स वेरी डिफरेंट एंड वेरी रॉ. मीन्स अगर आपने मेरा और रजो का लुक देखा होगा तो देयर इज़ नो मेकअप, नो नथिंग. हम एक पहाड़ से आए हुए हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ पर. एंड देन इट इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्पोर्ट्स ऑल्सो, जो अभी आपने कहीं नहीं देखा होगा. द स्टोरी इज़ वेरी डिफरेंट, वेरी रॉ, वेरी रियल. सो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे इस शो से. प्लीज़ डू वॉच इट. थैंक यू सो मच. 22. Thank you so much.